सामिन मोहतरम काबिल कदर भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों आज योम आज़ाद पाकिस्तान चौदह अगस्त हैं अल्लाह व ने मुझे और आपको आज से छिहत्तर साल पहले चौदह अगस्त के दिन दो नमतों से नवाजा था एक नमत आज़ादी की नमत है और दूसरी नमत खुदादाद ममलिकत मुमलिकत इस्लामिया वतन अजीज़ वतन पाकिस्तान का हूसूल है ये दो अल्लाह नमते अल्लाबें मुझे और आपको अता फरमाई थी आज की इस मुख्तसर सी नशस्त में हम योम आज़ादी के तकाजे और इस्तकाम पाकिस्तान के हवाला से गुफगू करेंगे सबसे पहली बात ये है कि आज़ादी कहते किस को है आज मैं और आप अपने इल्म की कमज़ोरी की वजह से आज़ादी के मफहूम से गाफिल है आज़ादी किस चीज़ का नाम है आज़ादी इसे कहते हैं कि लोग लोगों की ग़ुलामी ना कर रहे हो बल्कि लोग अल्लाह की गुलामी में हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना मकसद ये समझाया था कि मैं बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लेकर आने वाला हूँ मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानियत को आज़ादी देना चाहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के मुतअद्दद अहकाम में जिस तरह कसम आपने तोड़ दी जिहार का कफ़ारा है रोज़ा जान बूझ के तोड़ दिया उसका कफ़ारा है इन कफारों में अल्लाह के नबी ने गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म दिया मतलब ये है कि आज़ादी ज़्यादा से ज़्यादा आम होनी चाहिए और इस तरह का निज़ाम शरीयत दिया ताकि आगे चल के लोग गुलामीत से निकल जाए जिस तरह आज कल ग़ुलाम और बांदियों का निज़ाम ख़त्म हो गया ये उसी पेशर रफ़्त की कड़ी है कि अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम ने लोगों को गुलायियत से निकालने की तरगीब दी और फरमाया कि असल आज़ादी है ही इस चीज़ का नाम कि इंसान अल्लाह के अहकाम बजा तौर पर खुले आम इंसान अमल कर सके किसी किस्म की कोई रकावट किसी के ऊपर ना हो अल्लाह की गुलामी इख्तियार करने में अल्लाह के अहकाम और शरीयत की पाबंदी करने में किसी किस्म की कोई रकावट ना हो इसे कहते हैं आज़ादी और जहाँ पे इंसान इंसानों की गुलामी कर रही हो इंसान इंसानों के ज़ेर दस्त हो और दीन इस्लाम के अहकाम के ऊपर पाबंदी ना कर सकते हो तो ऐसे मकाम पर इंसान अच्छा खा पी कर भी फिर भी इंसान ग़ुलाम का गुलाम है आज़ादी ये है कि इंसान अल्लाह की गुलामी में आए अल्लाह के अहकाम आज़ादाना तौर पर इंसान पूरे कर सके ये आज़ादी है और अब हमने देखना ये है कि योम आज़ादी के तकाज़े क्या हैं योम आज़ादी का तकाज़ा एक ख़ुशी की चीज़ होती है जिसे आज आम तौर पर हम लफ इस्तेमाल करते हैं जश्न आज़ाद पाकिस्तान याद रखिए अहल इस्लाम की जो मुक़दस तारीख़ है उस मुकदस तारीख़ में आपको दो लफज नहीं मिलेंगे नंबर एक जशन नंबर दो मातम अहल इस्लाम की मुकदस तारीख के अंदर ये दो लफ नहीं है जशन का लफ नहीं है मातम का लफ नहीं है खुशी मिल गई तो उसके ऊपर जशन मनाओ वावेला करो अपनी मर्जी से जो ज, जो चाहो करो जो चाहो तुम अफहाशी और करो इसे जश्न कहते हैं शरीत में जश्न नहीं है शरीय मुताहरा ने मुझे और आपको इन दो चीज़ों के ऑपोजिट, इन दो चीज़ों के मुतरादिफ इन दो चीज़ों के बदले में दो और चीज़ें दी हैं नंबर एक जशन के बदले में अल्लाह रबुल्ज़त हमें शुक्र दिया हमें हम शुक्र करें नेमत के मिलने पर और मातम इसको अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने मायूब करार दिया कि मुसीबतों पर इंसान मातम ना करे सब्र करे तो हमें शुक्र और सब्र दिया गया जश्न और मातम का हुक्म नहीं दिया गया हमें ये बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए इसलिए हमें योम आज़ादी पाकिस्तान तो कहना चाहिए जश्न वगैरह हमारा काम नहीं है ना हम जश्न मनाते हैं ना हम जश्न वाले लोग हैं ना जशन मिलाद से हमारा ताल्लुक है हमारा ताल्लुक है कि हम मकसद के ऊपर आने वाले हैं मिशन पे आने वाले लोग हैं जश्न वाले लोग नहीं हैं अहले इस्लाम मिशन वाले लोग हैं सीधी सी बात है तो बहरहाल योम आज़ादी इसके अंदर हमें खुशी तो है और हर इंसान को खुशी होनी चाहिए लेकिन खुशी के ऊपर हमें करना क्या है हमें हमें इस खुशी को मनाना कैसे है इसको हमने देखना है कुरान और हदीस के नज़रिए के मुताबिक शरीयत के मुताबिक कि क्या खुशी के ऊपर क्या मुमलिकत खुदा दाद मिलने पर हमें करना क्या चाहिए तो इसके लिए अगर हम पीछे कुरान पाक का मुताला करें तो कुरने पाक में अल्लाह रबुल्ज़त ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का इजहार किया सात जगह पर कुरान पाक ने बनी इसराइल पर अपने एहसान करते हुए नेमतों का इजहार करते हुए अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें ये नमत दी कि हमने तुमको फ़िरौन से आज़ाद किया फ़िरन से आज़ादी तो मतलब यह है कि आज़ादी मिलना एक नमत है और उस नमत का इजहार अल्लाह ताली खुद कर रहे हैं बार बार कह रहे हैं कि ए बनी इसराइल के लोगों हमने तुमको नजात दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि और इस पे किया क्या उन्होंने इस आज़ादी पे किया क्या आप वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए देखा अहले यहूद दस मुहर्रम का रोज़ा रख रहे हैं फरमाया रोज़ा क्यों रखते हो फरमाया कि ये हमारी आज़ादी का दिन है कि मूसा आसलात वसलाम इस दिन रोज़ा रखा करते थे अब यहीं तक सिर्फ़ हदीस को अगर रखा जाए आगे ना बयान किया जाए तो यहाँ से एक मसला निकलता है कि अल्लाह के नबी कदर नबी आज़ादी के मिलने पर खुशी मना रहे हैं लेकिन खुशी मनाने का अंदाज़ क्या है रोज़ा खुशी मनाने का अंदाज़ क्या है रोज़ा रोज़ा जो कि एक इबादत है इबादत है वो अल्लाह के नबी जरील़दर नबी मूँ सार्लाम अख्तियार कर रहे और हजूर ने फरमाया हमें मूँ सार्सला सलाम से ज़्यादा ताल्लुक़ है यहूदियों से ज़्यादा मेरी नस्बत है यहूदियों से ज़्यादा मैं मूसम से मोहब्बत करता हूँ तो आप अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते रहे दस मुहर्रम हराम का किस वजह से कि आज़ादी मिली थी उस वक़्त के अहले हक बनी इसराइल थे तो उस आज़ादी के जो उनसे है मिशन को और उस आज़ादी के योम को अल्लाह के नबी ने भी बरकरार रखा और फिर दूसरी दलील इसके ऊपर कुरान हदीज़ से ये आती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना से मक्का की तरफ गए हैं फातह के सन आठ हिजरी में रमज़ानुल मुबारक का महीना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एक मक्का फतह होने की हालत में मिल गया ये शहर मिल गया तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर किसी भी गजवा वगैरह से वापस आते थे तो दो रकत नफल शुक्राने के पढ़ते थे हज़रत उम्मे हानी रजी अल्लाह तन जो हज़रत अलीज़ा रजी अल्लाह तन की बड़ी बहन है और आप सल्ला वसलम की चचाजाद बहन है फरमाती है कि मेरे घर आप ससलत तशरीफ़ लाए फ़तः मक्का का दिन था और आप सल्ला गुसल फरमाया और एक कपड़े में लिपट के आप सल्ला वसलम ने चाशत के वक़्त आठ रक़त अताँ फरमाई आठ रकाते अदा फरमाई मामूल से हट के इबादत की कसरत यही आज़ादी का तकाजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमने देखना है हमारे सुबह क़्यामत तक हमारा बचपन लड़कपन जवानी बुढ़ापा जो भी चीज़ें हमने उसका तदारुक करना है हमने उसको मेल खा खाना है उसको किस चीज़ से सरत मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम से जब तक हमारी ज़िंदगी का हर हर खुशी ग़मी हर लमा, उलाजा हुजूर की ज़िंदगी से मेल खाता रहेगा हमारा शरीयत का आ, के ऊपर अमल होता रहेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल से हटकर ज़्यादा इबादत की है तो ये है में आज़ादी का तकाज़ा कि हम इबादात में लगे और हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करें और तीसरी चीज़ है योम आज़ादी के तकाज़ों में कि हम अल्लाह इज़्ज़त की नेमत का शुक्र करें इस तरह मैंने शुरू में रस किया कि इस 14 चौदह अगस्त को मुझे और आपको दो नमती मिली हैं नंबर एक आज़ादी की नियमत मिली है हमें आज़ादी दो जगह से अंग्रेज़ साम्राज्य से आज़ादी मिली और रामराज हिंदुओं से इन दोनों से हमें साम्राज्य और रामराज दोनों से मुझे और आपको आज़ादी मिली है हमें इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और याद रखिए इसकी क़दर सिर्फ़ उन लोगों को है नंबर एक उन लोगों को आज़ादी की कदर है जो अब भी गुलाम है जो गुलाम है और गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनसे जा के पूछे कि आज़ादी क्या चीज़ है नंबर दो उन लोगों को आज़ादी की क़दर है जिनके बाप दादे या परदादे इस तहरीक आज़ादी के अंदर शहीद हो गए जिनको जिनको कत्ल कर दिया गया जिनको और जिनके ग़म को आज तक उनके बाप दादा मना रहे हैं उनके ऊपर ऐसी गहरी जरबे लगी हुई है दिल के ऊपर उनको इस आज़ादी की क़दर है उनको उनको आज़ादी की क़दर है जो अपने महलात छोड़ के अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ की तरफ आया है इस तरफ हिजरत करके आए हैं अपने सारे घर बार छोड़ के इधर आए हैं उन लोगों को आज़ादी की कदर है उन लोगों को और मुझे और आपको आज़ादी की क़दर दर हकीकत इसलिए नहीं है कि जब इंसान को कोई नेमत इंसान की हैसियत से बढ़ के मिल जाए तो इंसान को उसकी कदर नहीं होती इंसान को उसकी कदर नहीं होती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको जो नेमत अता फरमाई आज़ादी की नेमत नंबर दो अल्लाह ने पाकिस्तान की नेमत अता फरमाई ये हमारे ऐसे से बढ़ के नेमत थी इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक रियासत कायम हुई थी रियास मदीना इस्लाम के नाम पर और फिर उसके तेरह सौ साढ़े तेरह सौ साल के बाद जाकर फिर एक रियासत कायम हुई इस्लाम के नाम पर तो इतना बड़ा और तवील अरसा गुज़रा है जिसमें इस्लाम के नाम पर कोई रियासत कायम नहीं हुई हुई तो पाकिस्तान के नाम से रियासत कायम हुई तो इसलिए मुझे और आपको इस नेमत का अल्लाह के सामने अदा करना चाहिए जितना इंसान शुक्र करेगा किसी नेमत का तो अल्लाह का वादा है अल्लाह इज़्ज़त उस नेमत के अंदर इजाफ़ा फरमाएंगे शुक्र से दो चीज़ें होती है अल्लाह तबारक व ताली उस नेमत को बढ़ा भी देते हैं और उस नेमत से पूरा फ़ायदा हासिल करने की तोफीक भी अता फरमा देते हैं ये शुक्र की दो नेम दो खसूसियात हैं जो कुरान हदीस से निकाली है आपने शक्र किया नेमत में इजाफा हो गया आपने शिक्र किया नेमत तो मौजूद थी आप उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे थे आप सही तरीके से फ़ायदा हासिल करने वाले बन जाएंगे नमत की कदर आपके दिल के अंदर आ जाएगी आज मुझ आप पास नमत तो मौजूद है लेकिन हम उस नमत से पूरी तरीके से फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे दुनिया के अंदर जितना पक्का निज़ाम इस्लाम का हमारे आयन के अंदर है अगरचे आयन मौजूद है अमल दरामद नहीं है उसके ऊपर इतना किसी और मुल्क के पास नहीं है ना सऊदिया के पास है ना दुबई के पास है ना तुर्की के पास है इतना पक्का इस्लामी निज़ाम कि कायद एजा मोहम्मद अली जिना ने पहले अपने कानून जो पाकिस्तान का लिखा गया करारदाद लिख जो लिखी गई हमारा कानून का आयन का जो पहली सतर है उसमें कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने सबसे पहली चीज़ ये लिखी थी कि वतन अजीज़ का कोई कानून कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं होगा ये आज भी लिखा हुआ है सब कुछ सब कुछ लिखा हुआ है आज और जिस वक़्त कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने अपनी आखिरी सरकारी तकरीर की थी उन्नीस सौ अड़तालीस के अंदर उसमें वो आखिरी तकरीर स्टेट बैंक के क्याम पर थी स्टेट बैंक के आगाज़ पर आखिरी तकरीर काय अजम मोहम्मद अली जना मरहम की वो ये थी कि हम चाहते ये है कि हम पूरे के पूरे निज़ाम सूद को ख़त्म कर दें हम।, हम चाहते ये हैं कि इस्लामी मीशत को यहाँ पर हम फरोग दें हम और उन्नीस के अंदर पिशावर के एक, एक, एक इस्लामिया कॉलेज का इफ्ताह करते हुए कायद अज़म मोहम्मद अली जिना ने फरमाया था हम जो पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं वो दर हकीकत एक लिबॉटरी है एक तजर्बा गाह है कि इस्लाम के तमाम के तमाम कवानीन के ऊपर अमल करने करके हम इस्लाम के नतज और इस्लाम के जो है ख़ूबिया और इसके जो समारात हैं हम उसका मुशाह करें अमल करके मुशाह करें हम हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं तो मकसद ये है कि बान यानी पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के बनाने में जिन हजरात ने कोशिश की वो हो उन सब की कोशिशों में उन सब की नीयतों में कोई शक नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ और खालता इस्लाम और कुरान के नफाज के लिए थी और उसका कोई मकसद नहीं था ये अलग बात है कि बाद में आने वाले लोगों ने इसको सेकुलर रियासत करार देने की कोशिश की लेकिन दर हकीकत जितना भी कर ले ये पाकिस्तान कभी भी सैकुलर या लिबरल रियासत नहीं बन सकता इसमें आज़ादी है इस्लाम को और हमेशा इस्लाम की ही बात होती रहेगी तो मेरे मोहतरम योम आज़ादी के तकाजों में ये है हम इस नेमत का शुक्र करें इबादत की ज़्यादी करें अल्लाह तबारक वाली के हाँ इस नहमत का शिक्र करें और तीसरा काम यह है जिन्होंने आज़ादी के अंदर किरदार अदा किया उन शुदा को हमारे आबाव अजदाद को उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत भी पेश करें हम जुबान से भी और अपने अमल से भी और उनके लिए सवाब भी करें ताकि अल्लाह तबारक व ताली उन शुदा के दर्जात को और बुलंद से बुलंदर करें योम आज़ादी के तकाजा ये है दूसरी बात जो रस करनी है पाकिस्तान के इसहकाम की याद रखिए कोई भी मुल्क है उसका इसहकाम तीन चीज़ों पर मबनी होता है नंबर एक नजरियाती तौर पर मलक मुस्तकम हो नंबर दो जगराफियाई तरस तौर पर मुलक जो उनसे मुस्तकम हो नंबर तीन मीशत के अतबार से मलक मुस्तकम हो इन तीन चीज़ों का इस्तेकाम वतन के इस्तेकाम के अंदर मुजमिर है छुपा हुआ है अब इन तीन चीज़ों का इस्तेकाम इस करने की मुझे और आपको ज़रूरत है नंबर एक हमें नजरिए का इसकाम नज़रिया क्या है ये मलक बना ही नज़रिए की बुनियाद पर है नजरिया इस्लाम की बुनियाद बना है अगरचे बहुत से सोशल स्टडी के प्रोफ़ेसर और बड़े बड़े किताबों के माहरीन हमारी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की किताबों के अंदर ये बात अपने पास से घुसा रहे हैं कि ये कोई नजरियाती स्टेट नहीं है ये नजरियाती स्टेट है इस्लाम पाकिस्तान ये इस नज़रिया इस्लाम के ऊपर कायम हुई है और हमारे नज़रियाती नज़रियात के इस्तेकाम के लिए अल्लाह रबुजत ने उलमा को मसाजिद और मदारस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अल्लाह रबुजत ने चौकीदार के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के नज़रिए का हम तहफ़ कर रहे हैं उलमा इस नजरिए इस्लाम को अगर कोई गिराना चाहता है उसके सामने सदर सिकंदरी बने हुए हैं नंबर एक नज़रियाती तौर पर इसकाम ये माँ किरदार अदा कर रहे हैं करते रहे हैं और करते रहेंगे नंबर दो जुग्राफियाई निज़ाम जुग्राफियाई निज़ाम का इस्तेकाम होता है हमारी फ़ौज इदारे पुलिस और हमारे हसास इदारे ये सारे के सारे मिल के काम करे कि पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे और अल्लाह के फजल करम से हमारी फ़ौज बड़ा अलद अंदाज से अलदा तरीके से काम कर रही है तमाम जगराफियाई सरहदों के ऊपर हम हिफाज हमारे हिफाजत कर रहे हैं सया चीन के बाडर क्या दूर दराज जहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही रहती है और वहाँ पर हमारे ऐसे फ़ौजी भाई जिनके चेहरे झुलस चुके हैं सर्दी की वजह से लेकिन वो फिर भी वहां पर डट के पैरे में लगे हुए हैं हमारी जग्राफिया सरहदात की हिफाजत की जा रही है फौज के जरिए नेवी के जरिए बहरी और बरी तरीकों के साथ और एटमी तरीके से भी इसी वजह से आज कोई आलम इस्लाम पे बात बनती है तो सबसे पहले निगाह सारे मुल्कों के जिस मुल्क में पड़ती है वो पाकिस्तान के ऊपर होती है सब अपना नजरिया पेश करते हैं और इंतज़ार इस बात को तो पाकिस्तान के इसके बारे में नज़रिया किया है इसलिए कि पाकिस्तान नज़रिया कायम करने से पहले अपना स्टेटस देखता है स्टेटस देखता है कि हम इस्लामी और एटमी ताकत है हमारा हमारी की हुई बात एक अलग पावर रखती है एक ताकत रखती है आज हमारा अलमिया ये है कि दो चार पाँच दस साल कोई बाहर के मुलक रह आता है वो यहाँ आके तस्वीर पढ़ना शुरू कर देता है तस्वीर किस चीज़ की कि पाकिस्तान में ये नहीं है गैस नहीं है बिजली नहीं है सीवरेज का निज़ाम नहीं है पानी ठीक नहीं है गलियाँ ठीक नहीं है मीठा पानी नहीं है फ़लाँ नहीं है फल वो अपने अयूब को बयान करना शुरू कर याद रखिए इस तरह अयूब बयान करना ये अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी है ये ना शुक्र कर रहे हैं हम अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मसाजिद पाकिस्तान के अंदर है सबसे ज़्यादा मदारिस पाकिस्तान के अंदर है सबसे ज़्यादा दीन का काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये कम बात है सबसे ज़्यादा मादनियात के ख़जाने पाकिस्तान से निकल रहे हैं पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी अल्लाह अल्ला ने हमें अता फरमाई है सिहरा भी हमें अता फरमाया है जंगलात भी हमें अता फरमाया है खेड़ा के कान भी अल्लाह ने हमें अता फरमाई है ये दरिया भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है चारों मौसम भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है यार पाकिस्तान की खूबियों को गिने तो मुस्तकिल किताब बन जाए हम खूबियों की तरफ निगाह नहीं करते हम खूबियों की तरफ निगाह नहीं करते हम और ख़ामियों को देखने में लगे हुए हैं याद रखिए है कि एक होती है गंदी मक्खी गंदी मक्खी का काम हमेशा पखाने में बैठना है हमेशा गंद पर बैठना है हम अपनी जहनीत को अच्छा बनाएं, गंदी मक्खी के तरह ना बनाएँ कि पाकिस्तान का जो ऐब हो जो नक्स हो उसके ऊपर हंगली रखते हैं जो खूबी है उसके ऊपर उंगली नहीं रखते हम कितने प्यारे कानून मौजूद है जिन कानून कानूनों की कवानीन की वजह से पूरा आलम कुफल लरस रहा है हमारा तहफुज नामों से रिसालत का कानून मौजूद है खत्म नबूवत का कानून मौजूद है अब तहफ़ नामों सहा का कानून बन गया है कितने मजबूत कानून है जो पूरी दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क के अंदर कायम नहीं है ये ऐसे कानून अल्लाह ने हमें दता फरमाया और पूरा आलम कुफ़र इस मेहनत में है इन कवानी इनको जरा की जाए ये किया जाए वो किया जाए लेकिन नहीं अल्लाह तबारक व ने हमें तौं नमदा फ़रमाया तो मेरे मोहतरम नज़रियाती तौर पर भी हमें मस्तह होना पड़ेगा अपने तौर पर अपने नज़रिए को अपने इस्लाम को मस्तक करना पड़ेगा और मसाजिद मदारस से रवाबित को मजबूत करना पड़ेगा नंबर दो जग्राफियाई तौर पर हमारा मुल्क मस्तकम था है और रहेगा और हमारी फौज और इदारे और हसास इदारे इंटेलिजेंट ये काम करते रहेंगे और तीसरी चीज़ मीशत के एतबार से हमारा मुल्क मस्तकम किस तरह होगा इसके लिए अल्लाह का कुरान कहता है जब तुम्हें कोई हुकूमत मिल जाए कोई मुलक मिल जाए इम अर्ज तुम चार काम कर लो तुम्हारा मुलक जो उससे मुस्कम हो जाएगा नंबर एक अकाम नमाज को कायम करो व आता जका, वो ज़कात ज़कात को अदा करो वह आमारूब बिलरूफ अच्छी बातों का लोगों को हुक्म दो तो, व ना हाउ मुनकर और बुरे कामों से लोगों को रोको तो ये चार काम है जिससे हमारा मुल्क मुस्तकम होगा और मीषत जो मुस्तकम होगी उसका असल राज है कि हम सूद का ख़ात्मा करें सूद के ख़ात्मे पर भी बात होती रहती है बात करते रहते हैं अल्लाह तबारक व ताल हमारे मुल्क से सूदी निज़ाम को ख़त्म करें ये पाकिस्तान है कि इसके एक आलम दीन ने एक मुफ्ती ने पूरी दुनिया के सामने सूदी निज़ाम के मुतरदफ़ एक हलाल निज़ाम खड़ा करके रख दिया उसने वो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी शेख इस्लाम दामद बरक़ात हूँ मैं अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे तादीर सलामत रखे उस इंसान ने पूरे आलम कुफर के सामने खड़ा होकर अमेरिका में बरतानिया में और इंग्लिस्तान और जगह जगह पे जाके उसने अदालतों के अंदर केस लड़े और स्टेट बैंक जो सा है उसके मुकाबले में उन्होंने कहा कि हम इस्लामी निज़ाम रखते हैं अपना हम इस्लामी निज़ाम इस्लामी बैंकिंग रखते हैं तो इस्लामिक बैंकिंग के तौर पर उसने इस्लामी बैंकिंग काम किए हुए बैंकिंग क्रम की मुतरद निज़ाम दिया मिज़ान बैंक है दुबई बैंक है इस्लामिक है बैंक इस्लामी है तो इस तरह का निज़ाम ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तरफ से हमारे ऊपर एहसान है कि एक हलाल रास्ता हमें अल्लाह अल्ला, के रबत इन उलमा के ज़रिए सता फ़रमाया तो हम हलाल को अख्तियार करें मीशत के अंदर जो उन है, खुद भी कोशिश करे हराम ना खाए हराम ना कमाए और सूद और रिश्वत से किनारा कश कर अख्तियार करे आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क के अंदर जब हम खुद भी करेंगे तो आगे उदों पर आने वाले कौन है वह हमारी औलादे हैं जब हम खुद हराम से बचेंगे वो भी आराम से बचेगी। हर इदारे के अंदर बड़ा बनने वाला अफसर वो खुद बचेगा तो इसलिए और, और तकों को सही तरीके से अदा करने की तोहफ़ी कता फरमाए कल हम इन शाह तहरीके आजादी में तारीखी पस मंजर क्या है उसके ऊपर कुछ गुजारिश अरस करेंगे अल्लाह तबारक वाले आपको समझने की